भाभी जी काम पे जा रहे हो? Have a good day, या क्रैक जैक? मतलब तो बिस्कुट खाने से है। कहीं सारे तुम लोग हाँ सब बढ़िया होने का भाई। अरे गुड न्यूज, फिल्म आना अक्षय कुमार का और तेल का डाना भाई दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा भाई। उसका कलेक्शन तो ऐसा फिल्मों मैंने पहला कभी नहीं देखा भाई। फिर हेरा फेरी के बाद कोई बेहतरीन फिल्म आ रहा ना भाई, तो ये होना भाई क्या कॉमेडी होना, क्या टीचिंग स्किल्स होना और बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट मूवी होना और उसका जो कलेक्शन होना वो भी बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन होना। तक भाई 78 करोड़ रुपये कमा चुका 4 दिन में और ये अक्षय कुमार के हिसाब से बहुत बड़ा फिल्म होना। ये 7 दिन में मेरे को लगता कि ये तकरीबन 100 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच जाना। ये सिर्फ इंडिया का कलेक्शन होना, और अगर मैं इंडिया के बाहर बता रहा भाई तो इंडिया के बाहर अभी तक तकरीबन 23 करोड़ रुपए कमा चुका। मतलब कि टोटल में देखा जाए भाई तो ये फिल्म ना अभी तक 100 करोड़ कमा चुका। और वहीं इसके सामने एक फिल्म लगा होना जिसका नाम दबंग 3 होना, और दबंग 3 भी अच्छा चल रहा पर दबंग 3 बहुत ज़्यादा गिर जाना। अब दबंग 3 का कलेक्शन सिर्फ 133 करोड़ रुपये होना और ये धीरे धीरे करके गिरता ही जा रहा भाई, क्योंकि आखिरी दिन इस फिल्म ने शनिवार क्योंकि रविवार के दिन इस फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपये कमाना, शनिवार को 3 करोड़ कमाना। ऐसे ही फिल्म का कलेक्शन गिरता जा रहा भाई। अब देखने को वक्त था कि गुड न्यूज़ कितना चल रहा, क्योंकि अगले साल जनवरी के 10 तारीख तक कोई बेहतरीन फिल्म नहीं होना। 10 तारीख को तन्हाजी आना और छपा खाना, उससे पहले सिर्फ गुड न्यूज़ ही होना। मतलब कि आने वाला 10 दिन सिर्फ अक्षय कुमार का नाम होना भाई। तो देखते जा रहा ये फिल्म कितना कमाती, क्या अक्षय कुमार इस साल भाई सबसे कमाने वाला एक्टर बन चुका भाई। बंदा ने 950 करोड़ का बिजनेस कर चुका है बॉलीवुड में भाई, इस साल 950 करोड़ कमा चुका उसका फिल्म। तो मतलब टोटल फिल्म का कलेक्शन तो बहुत जा रहा।